तो हेलो ऑल फ्रेंड्स, माई सेल्फ रहीश करन, यू आर वॉचिंग टेक्निकल रहीश। तो फाइनली आ चुके हो और कमाल की वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आप लोग बात करने वाले हैं कि आप फेसबुक पर किस तरह से लेवल अप कर सकते हो और उसके क्या क्या प्रॉफिट होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च पर आते हैं और एक बंदा सबसे ऊपर आ जाता है जो कि एक यहाँ पर फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग करता है डेली। तो यहाँ पर इस पर देख सकते हो आप लेवल अप हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी यहाँ पर आपको लेवल अप करने के लिए। तो उसी के बारे में आप लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है लेवल अप करने में तो एक बार कमेंट कर देना, तो मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी ट्राई करूँगा। तो हम यहाँ पर सर्च में आते हैं, देखते हैं कोई लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है क्या। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत देर सर्च करता हूँ लेकिन कोई भी बंदा लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर लेवल अप पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या क्राइटेरिया दिखाता है ये। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर जैसे कि वाई लेवल अप। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लेवल अप करते हो तो मोनेटाइजेशन फेसबुक के यहाँ जो सब्सक्रिप्शन होते हैं वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो और यहाँ पर अपने स्ट्रीम पर ऐड वगैरह लगा सकते हो और स्टार भी बंदे आपको दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ इसमें जो कि यूट्यूब पर सुपर चैट होती है। और आपका जो दूसरा फ़ायदा है वो आपकी ऑडियंस ग्रोथ हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पर आपको ज़्यादा व्यूज आने लग जाएंगे इसके। अगर आपका चैनल यहाँ पर सॉरी आपका पेज अगर लेवल अप हो जाता है और यहाँ पर और भी बहुत सारे चीज़ें आपको प्रॉफिट मिलता है तो उसके बारे में भी अपन अब बात करेंगे। तो फिर हम आ जाते हैं कि आपको यहाँ पर लेवल अप अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास एक गेमिंग पेज होना चाहिए। तो ये तो मस्ट है कि आपका पेज गेमिंग कैटेगरी का होना चाहिए। और दूसरा सबसे ज़रूरी है कि आपके यहाँ पर पेज पर 100 या उससे अधिक फॉलोअर्स होने चाहिए। और यहाँ पर जो तीसरा है वो है कि आप यहाँ पर 14 दिन लास्ट 14 दिन से आप एक्टिव हो और आपकी 4 घंटे की स्ट्रीम आपने की हो और यहाँ पर आप लगभग 2 दिन तक आपने स्ट्रीम की हो लास्ट के 14 दिनों में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसा कि साफ साफ लिखा हुआ है। और यहाँ पर तो उसके बाद आप यहाँ पर इजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो लेवल अप के लिए। तो मैं भी चलूँगा अपने पेज पर भी, तो देखते हैं हमारा पेज यहाँ पर अनएलिजिबल है या नहीं, कि हम यहाँ पर अपने पेज पर लेवल अप कर पाते हैं नहीं। तो हम यहाँ पर चेक और अनएलिजिबिलिटी पर क्लिक करते हैं। तो फाइनली जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें अपने पेज पर फेंक देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर किस किस चीज़ की और नीडेड है यहाँ पर करने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है जो सबसे पहली है कि वो यहाँ पर मेरा गेमिंग पेज है। तो यहाँ पर वो तो इन्होंने टिक किया हुआ कि और यहाँ पर जो मैंने कंट्री भी अनेजबल कर रखी है तो यहाँ पर वो भी हमारा सही है। और मोनेटाइज यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टनर मोनेटाइज पॉलिसी, तो यहाँ पर कोई भी मैंने गलत इसमें कुछ नहीं किया है तो वो भी मेरा सही है। और लास्ट में मेरे पास यहाँ पर 100 फॉलोवर्स भी हैं तो वो भी मेरा सही है। लेकिन यहाँ पर मेरी दो चीज़ें कम्प्लीट नहीं है, मेरे यहाँ पर मैं स्ट्रीमिंग वगैरह नहीं करता तो वही दो चीज़ें कम्प्लीट नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो तो आपको पता है कि 14 दिन में आपको यहाँ पर 2 बार स्ट्रीम करनी है, 2 दिन तक, मतलब कि 2 बार यहाँ पर स्ट्रीम करनी है कम से कम, मैं बता रहा हूँ। उससे अगर ज़्यादा आप करते हो तो वो आपकी भाई अच्छा ही रहेगा आपके चैनल के लिए और ज़्यादा ग्रो होगा। और आपको 2 बार स्ट्रीम करनी है और मिनिमम आपको यहाँ पर 4 घंटे की स्ट्रीम होनी चाहिए और लास्ट 14 दिन में आप एक्टिव भी होने चाहिए, तो तभी हम यहाँ पर लेवल अप के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में था बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ हमारे चैनल टेक्निकल रहीश को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।